हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस होता है। ये अपने पहले कर चुके हैं कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। पी टाइप एन टाइप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसके बारे में एक टेबल के रूप में आज अपने थोड़ी सी डिफरेंस देखेंगे ताकि ये टेबल आपको याद रहे और पीछे वाला थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो, डिफरेंस देखते हैं अपने थोड़ा पी टाइप और एन टाइप में। ये देखो, पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का, ये आपको पहले मैं करवा चुका हूँ कि जो पी टाइप और एन टाइप कौन से होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर जो दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रेंसिक होता है, इंट्रेंसिक, और एक होता है एक्सट्रेंसिक। ये अपने पढ़ चुके हैं। इंट्रेंसिक वो होते हैं जो अपने को प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो जिनमें अशुद्धि को मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे शुद्ध अर्धचालक अपने पास सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें अशुद्धियों को मिलाया जाता है। अशुद्धियों को मिलाने से इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अपने पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आज अपने कर रहे हैं। तो पी टाइप और एन टाइप जो होते हैं वो किसके भाग हैं, किसके पार्ट्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, जिनमें शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि को मिला के इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। और पी कैसे तैयार किया जाता है, एन कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में अपन आज थोड़ा देखेंगे। तो पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं, इनमें त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है। त्रिसंयोजी तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में तीन फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिनकी संयोजकता तीन हो, ठीक है, उनको त्रिसंयोजी तत्व बोलते हैं। जैसे इंडियम हो गया, ठीक है, इंडियम, गैलियम, ठीक है, ये होते हैं इंडियम और गैलियम, ये त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। तो पी टाइप जो अर्धचालक है वो बनाए जाते हैं त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाकर। त्रिसंयोजी तत्व मतलब इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गैलियम जो है किस प्रकार की अशुद्धि है, तो त्रिसंयोजी तत्वों को, ठीक है। और जो एन टाइप होते हैं, एन टाइप में मिलाई जाती है पंचसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये पंचसंयोजी तत्व हैं। इनको मिलाकर अपने कौन सा सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है, ठीक है। पंचसंयोजी तत्व यानी कि जिनके बाहरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनको मिलाया जाता है। अब जो दूसरा आता है कि पी टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, होल जनरेट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ होल जनरेट होता है तो इसको एक मतलब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर टाइप कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेप्टर, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बॉन्ड बनाने के लिए, ये आपको पहले बताया हुआ है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये डोनर टाइप कहलाता है, ठीक है। ये जो अर्धचालक होता है किस टाइप का होता है, यानी कि इसकी जो अशुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है, डोनर टाइप की। और ये क्या होता है, एक्सेप्टर टाइप। चौथा आता है, इनमें एनर्जी गैप दो बैंड होते हैं, इनमें आपको बताया हुआ है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो एक्सेप्टर टाइप का जो अपना होता है, इसमें जो इसका एनर्जी लेवल जो होता है, ठीक है, एक्सेप्टर टाइप का जो होल होता है इसका एनर्जी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। ये हो गया ई ए, एक्सेप्टर टाइप का एनर्जी बैंड। तो जो पी टाइप होता है उसमें एक्सेप्टर टाइप का जो एनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड से थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है इस हिसाब से, ठीक है। और जो एन टाइप होता है इसमें क्या होता है, ये हो गया अपना कौन सा, ईवी, वैलेंस बैंड, और ये हो गया अपना
एसी कंडक्शन बैंड। इसमें जो डोनर टाइप का जो अपना होता है उसमें ईडी यानी कि डोनर का जो एनर्जी कैप होता है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। इसका लेवल है ये किसका हो गया, ईडी, डोनर का एनर्जी लेवल। ये क्या हो गया, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैलेंस जो पी टाइप होता है उसमें तो वैलेंस बैंड जो एक्सेप्टर का एनर्जी बैंड होता है वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। और जो एन टाइप होता है उसमें जो डोनर यानी कि इसमें डोनर टाइप का होगा तो डोनर का एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। अब ये बताओ कि इसमें जो अपना पी टाइप था इसमें बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी ऑफ कैरियर चार्ज यानी कि ज़्यादा करंट को फ्लो कराने के लिए कार्य कौन करता है, बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, धारावाहक एक होते हैं बहुसंख्यक धारावाहक, एक होते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक धारावाहक। तो जो पी टाइप का है इसमें बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, होल्स, ठीक है, और अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब याद रखने का तरीका देखो कैसे है कि वो पूछेगा पी टाइप में, ठीक है, बहुसंख्यक यानी कि ज्यादा धारा किसकी वजह से फ्लो होती है, बहुसंख्यक क्या मतलब ये होता है, अल्पसंख्यक होता है मतलब कम जो धारा फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो पी टाइप का पी से मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे याद रखना कि पी का मतलब क्या, पी से क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो पी टाइप में पूछे पी मतलब पॉजिटिव यानी कि होल्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे यानी कि होल्स ज्यादा होंगे, होल्स की वजह से ज्यादा, और एन टाइप और कम किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन। ऐसी तरीके से इसमें देखो बहुसंख्यक धारावाहक, ठीक है, अल्पसंख्यक धारावाहक। इसमें देखो एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक धारावाहक कौन होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक धारावाहक कौन होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे फिर, होल्स। दो ही तो है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। पी का मतलब पॉजिटिव, पी टाइप में पॉजिटिव होंगे मतलब होल्स होंगे धारावाहक, ज्यादा धारा जो बहुसंख्यक धारावाहक, और अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और इसमें ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। एक आपको मैंने करवाया था कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में कितना होता है और इंसुलेटर में कितना होता है। तो ध्यान रखना कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है, ईजी का मान, एनर्जी गैप जो होता है वो कितना होता है, लगभग जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सेमीकंडक्टर में कितना होता है, ईजी का मान, लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इंसुलेटर में कितना होता है ईजी का मान, ईजी मतलब एनर्जी गैप, लगभग कितना होता है, छः इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाँच या छः इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ा था अपने, सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपने ध्यान रखना। ये डाटा जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। कंडक्टर जो चालक होते हैं उसमें एनर्जी लेवल कितना, एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो दूरी होती है, ठीक है, इसके बीच का जो ये गैप है ये क्या कहलाता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड कहलाता है, एनर्जी गैप कहलाता है, ठीक है। एनर्जी गैप के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अपने, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसमें जाएंगे तो ये अपने को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाती है, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए कितने कितने थे ये आप ध्यान रखना है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।